प्यारे हिंदवासियों सभी छोटों को प्यार और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम आज इस प्रातःकालीन सभा में जन्माष्टमी का त्यौहार जो आने वाला है कृष्ण जी का जन्म उत्सव माना जाता है मनाया जाता है और कृष्ण जी गोपालक पालक रहे हैं। आज, आज ये इस दौर में इस त्यौहार की सार्थकता तभी सिद्ध होगी ज्यादा से ज्यादा त्यौहार के दिन लोग गौशाला में पहुंचे इस देश में काव और कन्या को बचाने के लिए उसके मान और सम्मान को बढ़ाने के लिए और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि लोग गौशालाओं की तरफ रुख करें मैं सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं मॉडर्न महिलाओं से भी गाय की पूजा अर्चना की जाती है इस त्यौहार के दिन और आप अपने दाम्पत्य जीवन को में बनाने के लिए इस उपलक्ष को जोश खरोश से बनाने के लिए गौशालों का रास्ता पकड़ें तभी इस त्यौहार की सार्थकता सिद्ध होगी और सेलिब्रिटी जिसे कहा जाता है भारत की फर्जी पत्रकारिता जिनके चेहरे बार बार जनता को दिखाती है दौलत के दम पर मैं उनको भी कहता हूँ कि गौशालों की राह पकड़ें जनता उनकी शकल की अगर मुरीद है तो उनके कर्म की मुरीद बने देखिए उनके कर्म कैसे उन भाइयों से मेरे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि गौशाला में पहुँचें गौशाला प्रबंधन सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देगा इसके लिए मैं आग उगलने वाले नेताओं से कहूँगा कि गौशाला में पहुँच अपनी वाणी को विराम नहीं शांति ग्रहण करने सीखें और एक पीस मॉडल जो देश में पैदा करने की ज़रूरत है बाहर देवभूमि और शांति भूमि के लिए जाना जाता है वोट पैदा करने की फैक्ट्री गौ सेवा से शुरू करें आजम और अवैसी दोनों बड़े भाइयों से कहूँगा कि गौ गो, गो सेवा के लिए ज़रूरी नहीं है आप तिलक लगाकर कर पहुँचें आप अपने हाथों से सेवा से और दान के लिए खड़े हो जाएं देश को इस चीज़ की पहचान दें आप अपने धर्म के नियमों को बताएं कि गो प्रबंधन भारत राष्ट्र की तस्वीर को बदल डालेगा पवित्रता के साथ साथ इसकी गुणवत्ता को इसकी गुणवत्ता को भी प्रचारित प्रसारित करना पड़ेगा गो, गो दूध सबसे बड़ी बात यही कही गई कि, कि, कि गाय का दूध काफ़ी उपयोगी है सारे रूप से बच्चों के विकास के लिए भी उसकी गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा और सड़कों की सुरक्षा और स्वस्थ राष्ट्र स्वच्छता के लिए भी मैं कहूँगा पंद्रह अगस्त के दिन भी आप इस चीज़ को सभी पर्व के दिन ये शपथ लें कि गौ संवर्धन को बढ़ावा देंगे और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जाए बच्चों को प्रेरित किया जाए गौशालाओं में पहुंचे क्योंकि आने वाले समय में गौशालाएं हमारे रोजगार और दूध के बहुत बड़े केंद्र बनने जा रही है वेटनी सर्जन सो और सरकारों से कहूंगा कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर जन खाते पब्लिक अकाउंट से आज मैं ये जरूर कहूँगा भारतीय लोगों को समझें लोकतंत्र में जीने लग गए हैं या राजा की जेब से कुछ नहीं जाता है प्रिंसिपल एंड पावर अब सिद्धांतों की बात कर ली जाए पावर आने के बाद तो अच्छा यही है कि सरकारी दीवारों को गंदा करने के स्थान पर कागज़ पेपरलेस सोसाइटी तरफ जो हम बढ़ रहे हैं विज्ञापनों को आधार बनाना नहीं आधार बनाएँ आप गौ सेवा को गौ प्रबंधन को गौशालाओं को विशेष रूप से ध्यान दें और सभी समुदाय मैं पूरे राष्ट्र के लोगों के लिए कहूँगा कि कर्षण जी की रास लेने लोग बहुत पसंद करते हैं उन मॉडर्न कपलिंग वालों से कहूँगा कि आप इस पशु के पास जाएं सिर्फ धोती और सलवार धारण करने वाली महिलाएं नहीं जिनसी महिलाएं जो बढ़ रही हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप एक बार इंद्री पशु के पास जाने से आपको दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा जाएं और गौशालाओं को गौ माता को चार चंद लगाएं खुश होकर दौड़ें असली जन्माष्टमी पर गौशालाओं मनाएं अन्य जगह शोर मचाने की जरूरत नहीं है सार्थकता तभी है इससे बल मिलेगा इस त्यौहार को इस एक प्रकार से कृष्ण जी के संदेश को प्रचारित प्रसारित करने गोपाल के रूप में कृष्ण जी जाने जाते हैं गोपाल को बड़े लोकप्रिय रहे हैं और बांसुरी वादकों से मैं कहूँगा बाजा बजाने वाले जितने भी हैं वो भी वहाँ कर्षण जी बांसुरी बजाने के लिए प्रसिद्ध हैं तो सभी से मैं पुनः कहूँगा कि गोप्रबंधन के लिए सड़क सुरक्षा के लिए और राष्ट्रीय स्वच्छता के लिए इसे इस बहुत जल्दी अगर हम अभियान चलाएंगे इस त्यौहार के ऊपर तो जल्दी आपको सड़कें स्वच्छ नज़र भी आएंगी सुरक्षित भी नज़र आएंगी धन्यवाद